हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ आरजे रविंद्र अपने नए पॉडकास्ट के साथ। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है। निदा फाजली साहब की ये लाइंस हमारे आज के टॉपिक को बेहद खूबसूरती से इंट्रोड्यूस करती हैं। एक अजनबी जो शायद ऑफिस में दिखा या कॉलेज में या फिर किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे, कोई क्लाइंट हो सकता है या कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी, दो चार दिन में ही अपना सा लगने लगता है। उसकी बातों का तो जैसे चस्का सा लग जाता है। फोन में बीप चाहे किसी के भी बजे, लेकिन हम अचानक ही अपना फोन निकाल कर चेक करने लगते हैं। फोन में सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है। कोई व्हाट्सएप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या फिर कोई कॉल तो नहीं आया था जो मुझसे मिस हो गया? नहीं। और दिल सोचने लगता है, आज पता नहीं कहाँ बिजी है वो, सुबह से एक भी मैसेज नहीं आया। मैं पहले मैसेज कर दूं क्या या इंतजार करूं? मन बस इसी सब में उलझा रहता है। अगर उससे नजर टकरा जाए तो दिल मैराथन दौड़ने लगता है। ये दो निगाहें ऑफिस के हर कोने से होकर जाती हैं और बस उसी पर जाकर रुक जाती हैं। और इसका असर ये होता है कि मुस्कुराहट आपके होठों पर छाई रहती है। जरा देखिए तो, आजकल अपना ख्याल कुछ ज्यादा ही रखने लगे हैं आप। अब सोच समझ कर कपड़े पहनते हैं, मैचिंग भी दो तीन बार चेक करते हैं, बाल मेकअप ऑल ओके। यस फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अट्रैक्शन और इन्फैटुएशन, और मे बी सम पीपल कैन कॉल इट वन साइडेड लव, विच इज नॉट करेक्ट इन माई ओपिनियन। लव एंड अट्रैक्शन आर टू डिफरेंट थिंग्स। लेकिन ये जरूर पॉसिबल है कि प्यार वाली ट्रेन अट्रैक्शन वाले प्लेटफॉर्म से होकर गुजरे। बिफोर गोइंग फर्दर, लेट मी टेल यू कि जिस आकर्षण या इन्फैटुएशन की बात कर रहे हैं वो जेंट्स में भी हो सकती है और लेडीज में भी। अनमैरिड को भी हो सकती है, मैरिड को भी, और उम्र का भी कोई बंधन नहीं है इस केस में। और ये सबको होता है कभी न कभी। कभी आपको भी हुआ होगा, कभी मुझे भी हुआ था, या हो सकता है कि आप आज भी किसी ऐसे ही दौर में हो। अब क्या करें? बता दें उसको कि तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। ये दिल की बात दिल में ही रखें। सी, इफ इट इज मेयरली अट्रैक्शन तो बता के क्या करना। इट्स योर पर्सनल फीलिंग, Enjoy it secretly. नहीं? Do you know कि इस तरह की attraction आप में बहुत से positive changes ला सकती है? It can fill you with josh and energy. आपकी efficiency भी बढ़ जाती है। आप smart और attractive दिखने की भी कोशिश करते हैं। अपना ध्यान भी ज्यादा रखने लगे हैं। ऑफिस के काम में मन लगता है। बोरिंग ऑफिस रूटीन अब एक्साइटिंग लगने लगती है। हैरान मत होइए, जादू है तेरा ही जादू। लेकिन उसे बताना क्यों नहीं है? इसलिए कि जो आप महसूस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी आपके लिए वैसा ही महसूस कर रहा हो। और खुदा न खास्ता अगर आपकी झोली में रिजेक्शन आ गिरी तो हो गया बंटाधार। पहले आप जितने खुश खुश महसूस कर रहे थे, अब मन करेगा कि जमीन में गड़ जाए, धरती फटे और मैं इसमें समा जाऊं। इसलिए कहा ना मैंने, इट्स योर पर्सनल फीलिंग, कीप इट सीक्रेट एंड एंजॉय इट। एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है, मर्यादा। देखिए, आपकी फैमिली सिचुएशन, सोशल सिचुएशन के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए सीमाओं का सम्मान करें। ना अपनी लिमिट को क्रॉस करें, ना किसी को करने दें। वो क्या गाना था गुलजार साहब का, हमने देखी है इन आंखों में महकती खुशबू, हाथ से छू कर इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो। इससे होगा ये कि आपके मन में उमंग तरंग और नव रंग तो छाए रहेंगे और ना आप पर ना आपके किसी रिश्ते पर कोई आंच आएगी। जस्ट एंजॉय द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सच काइंड ऑफ अट्रैक्शन, बट डोंट फॉरगेट योर लिमिट्स। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑपोजिट रोल में हो, मतलब किसी को आपसे अट्रैक्शन हो पर आपको नहीं, पर आप इस बारे में जानते हो। ओ मैन, व्हाट ए क्रूशियल सिचुएशन। क्या सोच रहे हैं, कैसे हैंडल करेंगे? टफ सिचुएशन ना। हियर यू नीड टू शो योर मैच्योरिटी एंड हैंडल सच सिचुएशंस with extra care, especially if other party is a female. Don't break others' heart with your rude behavior. कभी सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हमेशा याद रखें कि रिश्तों की खूबसूरती मर्यादा में ही है, और ये मर्यादा आप दोनों मिलकर तय करेंगे, ताकि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर रुककर जब भी आप पीछे नजर मारें तो कोई रिग्रेट ना हो और ना ही नजरें शर्मिंदगी से झुकें। मेरे ख्याल से दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए और इस अट्रैक्शन के बारे में बात करनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे
आप एक दूसरे से फेमिलियर हो जाएं और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, इससे सिचुएशन नॉर्मल हो पाएगी। देखिए, मुझे फिर एक गाना याद आया जो हमारी आज की टॉक को कंक्लूड करता है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर आप लोगों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है तो ये दोस्ती उम्र भर साथ निभा सकती है। सो गाइज, लव योरसेल्फ, रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी, रिस्पेक्ट योर लिमिट्स एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल लाइफ विदाउट एक्सपेक्टिंग और स्पॉइलिंग अदर्स लाइफ। सो विद दिस नोट, दिस पॉडकास्ट एंड्स हियर। See you next time with new podcast. You can follow my page RJ Ravindra Kaur on Facebook, Insta पर hashtag RavindraKaur8954. और अगर आपको अभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है तो आप मेरे साथ मेरे पेजेस पर शेयर कर सकते हैं। Goodbye for now and happy listening.